हां जी सत श्री अकाल जी सारिआं नूं स्वागत है तुहाडा अज्ज दे नवें ब्लॉग दे विच। दिन है शुक्रवार ते सारे कम्मां कारां ते चले गए ने। नन्नू बहुत मुश्किल दे नाल भेजी है मैं अज्ज, कहिंदी सी मैं नहीं जाणा पर भेजती, पढ़ना तां है ही बच्चे ने। फिर उस तों बाद विच बाकी सारे कम्मां कारां ते चले गए। 12 वज चुके ने हुण ते फिलहाल मैं ब्लॉग शुरू करन लगी सी। सफाइयां सफुइयां करदे पए सीगे, अज्ज सारे कपड़े सारीआं रजाइयां बाहर कढ़ीआं सी सुकाउण दे लई। धुप लगवा ली इन्हां नूं ते कपड़े भी कढ़े है। इधर मम्मी बैठे कोठे ते उपर मम्मी धुप सेकदे सीगे। धुप नहीं सेकदे फिर नहीं धुप सेकदी भी सी मम्मी ते आ बिस्तरे सुकाए ने अज असीं सारे है ना बैडा चो कढ के। ते इधर मजदूर लोग लगे ने लगियां सारियां पीस वगैरह बनाण। ए सूटा सूटा दे है ना ओ मोती जे लगांदियां, देखो किन्ने सोहणे सूट ने है ना। आपां ने महंगे महंगे सूट रखे हां, जिहड़े 5-5 4-4 हजार दा सूट बनांदे ने ते फिर बना के इत्थे बणदे ने। हां ए साडे कोल हो के जांदे ने पैकिंग वगैरह स्टोन वगैरह। आ देखो कलर किन्ने सोहणे सोहणे सूटा दे। इधर देखो इधर भी इन्हां दे लग चुके मोती वगैरह सारे ने। आ देखो इधर किन्ने सोहने सोहने सूट है, कलर बहुत वधिया इन्हां दे है ना। ए सारी इदां दा वर्क है इन्हां ते। किरना आंटी बना रही है फिलहाल ते इधर ए भी बनांदे ने। सीजन दे अकॉर्डिंग इन्हां दा काम बदलदा रहिंदा है ना, कदे कोटियां ते मोती, फिर उन्हां सूटां ते आ गए, कदे धागे तोड़दे चुन्नियां तों, ऐदा इन्हां दा काम भी चेंज हुंदा रहिंदा वैसे। हांजी ते ऐ नन्नू आ गई सी स्कूल तों, हाल वेख लो इहदा, नीचे टी शर्ट पाई और उपर फ्रॉक पा के बैठी है। इधर असीं खलारे बहुत पाए ने कपड़ियां दे, सैटिंग करके रख रहे सी सारी सैटिंग करके। नन्नू ने सारे अपने खिडौने इत्थे अलमारी दे विच चिणते हैं, देखो इधर ठीक काम करदा नन्नू। ते इधर कपड़े असीं रख रहे हां सारे नवे जिहड़े सी इक पासे, बाकी गर्मी वाले रख रहे हैं विच ते सर्दी वाले असीं कढ रहे हैं। खलारा बहुत ज़्यादा पिया। देखो इधर नन्नू ने गद्दे दी बना ली स्लाइड। इधर देखो इहदे काम, अज सवेरे रोंदी भी सी, मैं क्या भी तू तेनू स्लाइड लैके दवांगे ते तू चले जा स्कूल, आंदी बैग रख के कहदी चलो चलिए स्लाइड लैण। है नन्नू आ गई, ओह डिगण लगे, ओह डिग डिग डिग। टाइम हो गया तकरीबन 2 बज गए ते मैं इधर चाह रखी हुई सी, पानी अज आया नहीं तां करके ना मैं नहाती ना मम्मी ते ना भांडे भुंडे धोए। मैं बोलदी सी किरण आंटी बोलदी भी वेखदी भी किसे लगी आ नाले नाले नहीं लाता, वो देख रही है कि ये किसे लगी है बातों में। मैं ब्लॉग बना रही थी और वो देख रही है हैरानी से ये किससे कभी। हाँ कदे कदे ऐसा होंगे वैसे जो कि कैमरा कड़ी ना बोलने लगी है फिर लोग बड़ा अजीब देखते ने भी है कि। मम्मी रख रहे ने नाल असीं कपड़े कुपड़े सारे रखे ते अजे भी इन्ना ज्यादा खलारा जद के किन्ने कपड़े असीं सांभ लेने। इधर देखो अजे बार नन्नू दे काम देखो, नन्ने ला दे पुत फराक तार दे इहनू। हाँ चल जा देख ला छोटा बाबू। A few moments later हां जी ते काफी खलारा सी लिया चुक, काफी कपड़े जड़े असी सांभ ले इथों ते बाहर मंजे वाले भी ते पानी थोड़ी देर ली आया सी मैं, थोड़े जे फांडे धो ले ते आप ही नहा ली, बाकी काम पानी आण तो बाद। ते मम्मी ते नन्नू फिर चले गए ने कोठे ते धुप सेकण लई, मैं भी नहाती सी तां करके जा रही हां कोठे ते। बैठे मम्मी क्या सी काके तू मेरा मजाक बनाई जाती किरण आंटी, कहती मिनट के बाद आ जाती फोन जो लैके ऑर्डर है ऑर्डर की करिए है भी। ते बच्चे हुण आए सी स्कूलों खाना वगैरह खान लगे ने रोटी, मेरा नन्नू ओदा ही खेडदा पिया। हां जी ते हुण टाइम हो गया तकरीबन 3:30 ते नन्नू ते मम्मी कहिंदे वी सानू भुख बहुत लगी है तां करके आपां
कुछ बनाने तो बनाना भी की है रात दे चौल पए सी ता करके उन्होंने ही आप मोडिफाई करके कुछ बनाने आलू इधर देखो जी कई चौल जेडे पए सी ते आलू प्याज बेसन ते शायद तुम इतो पता लग ही गया होगा की बनाना आप है ना ते तो कहने अनुसार थोड़ी इच्छा अनुसार नवी कढ़ाई दे विच आपां कुछ बनावांगे ठीक है। वैसे असीं मिठा इहदे विच पहला बना लिया सी है ना प्रसाद बनाया सी ते हुण फिलहाल यह है अपना ही रैसिपी इहदे विच की करांगे पहला ये आलू ते प्याज पावांगे मैं ये कट के धो ले सी ठीक है ते इन्हां नूं पावांगे फिर उस तो बाद विच हरी मिर्च ज़्यादा तो नहीं चल कोई गल नहीं देखी जाएगी फिर गरम मसाला फिर उस तो बाद विच नमक ते हल्दी नमक ना ये चौल तां बच गए सी क्योंकि इन्हां विच ना मेरे तो कल राती नमक ज़्यादा पै गया सी तां करके बच गए बेचारे ते नमक ज़्यादा पहला ही है तां करके आपां थोड़ा जिहा पावांगे बाद विच देख लांगे जे घट होया तां ठीक है। ते हुण आपां पावांगे इहदे विच हल्दी वैसे ना नमक पाने टाइम वो डायलॉग जो बहुत चेते आता कहते हैं स्वाद अनुसार नमक पावे स्वाद अनुसार मैं पाती हल्दी ठीक है जी। तो हम आप थोड़ा जहा मिक्स करके फिर तुम्हें तो दसते हैं वैसे चौल पाने का ना सिर्फ इको एक फायदा कि जो पकौड़े ना क्रंची बनते तो इस तो बाद सारे मसाले सारा कुछ पाने तो बाद मैं पा दाँगी ये बेसन ये बेसन मैं पहले ही देख लिया सी छान लिया सी ठीक है पहला थोड़ा जहा पावे जे कटिया फिर बाद विच आपां दोबारा पा लांगे ते आ मिक्सचर अपना बन के हो गया तैयार इन मैं थोड़ी देर लिए इदां ही रखता ते उदों तक आपां तेल वाला गैस चला लैने चलो जी ते इदां नाल ही मैं रखती चाह ठीक है ते देख वैसे ये समान तो तुहानूं पता लग ही गया होगा कि पकौड़े बनन लगे ने ठीक है जी समान थोड़ा जिहा चक के साइड ते रख ठीक है ते अज मैं आपे ही सारा कुछ कर रही हां कैमरा भी मैं आपे ही सांभ रही हाँ बना भी मैं आपे रही हाँ घर भी मैं आपे रही हाँ इहदा कारण यह है कि घर च कोई है नहीं सोनू कहना नहीं मन रहा मम्मी कहते जी मैं तो धुप सेकनी है वो कोठे ते बैठे है थोड़ी देर रुक के आएंगे कपड़े पे ना उपर वो सांभते पे है कहते मैं रख के फिर ही आवांगी ता करके हुण सारा कुछ मैं ही कर रही हाँ देख लो बोलते मैं किन्नी मेहनत कर रही हाँ अच्छा अच्छा हमको सिखा रही है तुहाडे लई सिर्फ देखो मेहनत मेरी डबल डबल ते तेल गर्म हो रहा जी जानू चाहू दिता ढक गैस स्लो कर दें क्योंकि बनन लगना है टाइम तेल की ना थोड़ी जी खुशबू जी आने लग गई देखते हैं आप हो गए कि नहीं थोड़े थोड़े करके इदा नन्नू आई है उपरों हुण देखदी पुछदी पुछदी मैनू कहंदी मम्मा काहदी खुशबू आ रही है मैं कहा आजा दसा तेनू काहदी खुशबू है ना नन्नू तेनू पता लग गया सी हां पकौड़िया दी हां पकौड़िया दी हां पकौड़िया दी तेनू फिर पसंद है पकौड़े चची इह लग रहा है भी जिद्दां पकौड़े दा कलर बहुत सोहना आ रहा है ना लगता है भी बन गए चाह मैं मुड़ के देखी नहीं भुल गई सी वैसे देखने दे विच लगता भी कच्चे है पर जे मैं उदा देखदी हां तां बिल्कुल कच्चे नहीं लग रहे कलर इन्हां दा चेंज हो चुक्या वै हुण बाकी मैं बाद विच कढांगी पहला मम्मी नूं टेस्ट करवा के कि इन्हां विच नमक वगैरह घट वध ना होवे तां करके खा के वेख्यो दो मिंट आवाज आई ना क्रंची दी नमक पकौड़े चाह बन रही है नन्नू पता नहीं की दिखा रही है मेनू वार वार आई जा रही है हां नन्नू की है दस छेती इस कमरे दे विचों भी कपड़े सारे कढ़े सी असीं ओहो फ्लावर अच्छा नन्नू ने सजाया नन्नू बड़ा सोहना सजाया तू ए है ना ते आ नन्नू दा ज्योमेट्री बॉक्स मैं ना सामभ के रखिया सी चलो थोड़ी जी वड्डी होएगी फिर देवांगी
पर इहनू देख गया तां करके हुण इह बेचारा बचना नहीं इत्थे सही सलामत नहीं रहना हुण है ना इहनू सारा तोड़ तूड़ देना इहने एवें नहीं तोड़दा तू तोड़ेगा मैनू पता है ते हुण टाइम हो गया 8:30 ते मैं थोड़ी जी बिजी सी क्योंकि मैं अपनी फाइल्स कंप्लीट करनी सी उस तो बाद अपने तो वीडियो नहीं बन पाई ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੰਨੂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਧਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਸੌਂ ਗਈ ਆ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਨਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੱਡ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੇ ਕਦੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪੜਿਆ ਦੇਖ ਇੱਧਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਘਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਰਦੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਾਦੀ डायपर लेके आया था पक्का हां ठीक है नाक च उंगल मारी दी बेटा ठीक है चल गुड गर्ल ते मैं बनाने लगी सी सब्जी मम्मी ने सब्जी काटती प्याज प्यूज ये काट दे है ना तो मैं हुन तड़का लगा ला बनावांगे आपा आज राजमा चीज वास्ते यार कल्ले राजमा ठीक ने ना हुन चौल नहीं ना बनाने फड़ाता है ना पिछली बार ना मेनू मिले फ्लावर पोट जे ते पोट जे कहते किथे ने मैं क्या आज मैं तेनू दिखानी आ चलो लाइट जगा फोन दी मड़ी जी की गल हो गई जगाओ तो सही अपने फोन दी लाइट जगाओ ओ क्यों मैं तेनू दिखानी आ गल तो हो ही लगदी है फोन दी लाइट जगाओ कोई तो गल होई है आयो आयो अगे चले बार पिछले साल जो मिले क्या मिल गया वे पिछले साल सेट सूट दिता यार ओ क्यों पता ही नहीं किथे गया रोटी रोटी खान लगे वीडियो नु लाइक शेयर कमेंट जरूर कर वीडियो नु लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दियो जी ठीक है काफी टाइम बाद एदा राजमा ना रोटी करा ने चौल ही खाने है कि नहीं सही गल है मैं ता ही एक बारी पूछ लिया सी मैं कहया भी किधर बाद में बनाने के पाए ठीक है जी ते मिलदे हां थानू नेक्स्ट व्लॉग दे विच ठीक है जी सत श्री अकाल जी बाय 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 बाय